महापर्व मनाते हुए हमने आज 56 परिवार का महाभोग, हर प्रकार के चाहे फल हो, अनार हो, सेब हो, केला हो, हर प्रकार का नमकीन, हर प्रकार का फ्रूट, हर प्रकार की मिठाइयाँ के साथ खीर का और पूरी का, माता का पंखड़ा, वो पंखड़ा गायक हैं राजेश मिश्री जी, वो बॉम्बे के हैं, उनकी पूरी 35 लोग की टीम को हमने यहाँ मंगवाया है, बुलवाया है। भक्तों की भक्ति में शक्ति ही शक्ति, और यही शक्ति का जोश भक्तों को देखने के लिए हमें मिल रहा है, क्योंकि भक्तगण पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं माँ बलेश्वरी के दर्शन करने के लिए, और उन्हीं दर्शन भक्तों के लिए यहाँ पर सेवा रखी गई है, यहाँ पर उनके लिए बोलबम सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर पंडाल लगाया गया। और हमारे साथ बोलबम समिति के अध्यक्ष दया भैया मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आज पंचमी के दिन क्या कुछ खास है। पंचमी का पर्व है, माँ का ये पर्व को विशेष रूप से महापर्व मनाते हुए हमने आज 56 परिवार का महाभोग, हर प्रकार के चाहे फल हो, अनार हो, सेब हो, केला हो, हर प्रकार का नमकीन, हर प्रकार का फ्रूट, हर प्रकार की मिठाइयाँ के साथ खीर का और पूरी का, क्योंकि आज के दिन का खीर और महाभोग के रूप में पूरी ये लगे, तो इसको हमने लगाया है। माँ से निवेदन प्रार्थना की है कि माँ वो सब भक्तगणों को, क्योंकि ये 56 प्रकार के जो फल हैं सब लोगों में वितरण किया जाएगा, पदयात्रों में वितरण किया जाएगा, लोगों में दिया जाएगा, और एक हर्षोल्लास के साथ हमारी माताएँ बहनें जो उस भाव के साथ आती हैं पूजा आरती में सम्मिलित होती है, तो माँ सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, बस इस भाव भक्ति के साथ महाप्रसाद महाभोग माँ को लगाया गया है। और अभी आने वाले दिनों में और क्या कुछ होने वाला है? आने वाले दिन में अभी सप्तमी का दिन है, सप्तमी के दिन में जो जगराता माता का पंखड़ा, वो पंखड़ा गायक हैं राजेश मिश्री जी, वो बॉम्बे के हैं, उनकी पूरी 35 लोग की टीम को हमने यहाँ मंगवाया है, बुलवाया है, ताकि हमारी माता बहनें सिर्फ सुनती हैं कि पंखड़ा पंखड़ा का डांडिया कैसा होता है, तो पंखड़ा का वो सॉन्ग सब एक खुर्सी पारवासी इसका आनंद लेंगे, माता बहनें आनंद लेंगे, और साथ में महाप्रसाद, चूंकि रोज माँ को अलग अलग प्रकार का भोग लगाया जा रहा है, तो भोग लगने के बाद भक्तगणों में और भक्तों में बांटा जाएगा। जैसे जो पैदल पदयात्री निकल रहे हैं भक्तगण, उनकी सेवा करके आपको कैसा लग रहा है? उनकी सेवा करके तो माँ के भक्त हैं, भक्तों की सेवा करना तो माँ का आशीर्वाद, प्रेम और प्यार हम सबको मिले, अब बोलबम सेवा यो कल्याण सिमी, तो सेवा से लोगों का कल्याण है, उस भाव के साथ हम ये कार्य करें, और ये हमारा सौभाग्य है कि माँ के भक्तों के हम सब सेवा कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कई वर्षों से, और ये सौभाग्य हम लोगों को बोलबम समिति को मिला है, तो निश्चित तौर में भक्ति का भाव है, और सब लोग विभोर होकर वो भक्ति के भाव के साथ में सेवा कर रहे हैं, और निरंतर सेवा चलता रहेगा, और सेवा जब तक ये सांस रहेगी, जब तक आन माँ का आशीर्वाद रहेगा, निरंतर ये सेवा के साथ हम कार्य करते रहेंगे। जैसे कि आपने सुना कि दया भैया ने बताया कि सातवीं के दिन भी यहाँ पर जगराता किया जाएगा, खास तौर पे बॉम्बे से बुलाया गया है, और भी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं स्थानीय लोग आए हैं यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। और जैसे कि भैया ने बताया कि आज पंचमी के दिन 56 भोग है, जैसे कि मैं आपको भोग दिखाऊंगी कि 56 भोग में क्या कुछ है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा अलग अलग वैराइटीज़ के मिठाई रखे गए, फल रखे गए हैं, और मोतीचूर के लड्डू, और साथ ही साथ यहाँ पर तिल के लड्डू, और दर्शन करने के लिए भक्तगण आए हैं। और जैसे कि पंचमी के दिन आपको पता है विशेष रूप से माता रानी को चुन्नी चढ़ाई जाती है, उनकी गोद भराई के जैसे तमाम चीज़ें होती है, और आज इसी तरह की यहाँ पर पूजा की गई थी। जैसे कि आपको पता है कि जो पैदल पथ यात्रा निकाली जा रही है माता रानी के दर्शन करने के लिए, डोंगरगढ़ जा रहे हैं सब लोग, उन्हीं के यहाँ आराम करने के लिए व्यवस्था की गई है, उनके खाने पीने की तमाम हर चीज़ों की व्यवस्था की गई है, और आज पंचमी के दिन खास तौर पर 56 भोग लगाया गया, और यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हुए थे, पहुँचे थे। अदया भैया से बातचीत की, अदया भैया ने हमें बताया कि सातवीं के दिन भी जगराता किया जाएगा, जिसमें स्पेशल तौर पे बॉम्बे से आएंगे लोग जो कि जगराता करेंगे, और यहाँ का जो माहौल है इस पंडाल का, जो कि काफ़ी भव्य और सुंदर है, क्योंकि जो माता रानी है काफ़ी सुंदर यहाँ की हैं, और ऐसी ही और अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे KP News के साथ। धन्यवाद।